हेलो एवरीवन। सो इफ़ यू आर वंडरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स का पूरा सेक्टर क्यों थोड़ा दबाव में है, प्रेशर में है, बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ रीजंस। घुमा फिरा के बात यह है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ मार्जिन प्रेशर। मोस्ट कंपनीज़ के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन जैसे SRF है, नवीन फ्लोरीन है, बहुत चल चुके थे, दीपक नाइट्राइट बहुत पिटा हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से चला नहीं है। हमारे रेडार पे जो कंपनी रहती है विनती ऑर्गेनिक्स, जिसका बहुत सॉलिड बिजनेस मॉडल है, उस पर भी प्रेशर आ रहा है। वो तो विनती ऑर्गेनिक्स तो अपने सारी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो है वो वेंडर पे पास कर देती है। बट इन जनरल एक कॉमन फैक्टर जो मैंने देखा है, स्पेकेम्स अगले 5 साल के लिए इज़ अ वंडरफुल सेक्टर, ब्रिलियंट सेक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो है, मोस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग विनती ऑर्गेनिक्स, इंक्लूडिंग दीपक नाइट्राइट, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ दीज अदर कंपनीज, ये लोगों ने काफ़ी भारी केपेक्स अनाउंस किया, कैपिटल एक्सपांशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत किया है, और उस चक्कर में प्लांट कैपेसिटी बढ़ाई है। जब कोई कंपनी केपेक्स करती है गाइस और प्लांट एडिशंस बढ़ा रही है, तो क्लियरली उनका रनवे फ्यूचर का है और शॉर्ट टर्म में उसको कॉस्ट भारी पड़ रहा है। और अभी थोड़ा साइकिल भी डाउनटर्न में था इतने महीनों से आफ्टर द वॉर, ये भाव गुड प्राइस एंड गुड न्यूज़ तो सेम टाइम पे आएगा नहीं, तो अभी भाव ठीक ठाक मिल रहा है तो खबर ख़राब है। बट इन जनरल प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड लुक एट अ वेरी गुड स्पेकेम कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, बिकॉज ये साइकिल केपेक्स का बहुत मुश्किल से आता है स्पेशलिटी केमिकल्स में, अब आया है और इसका रिजल्ट अगले 2-3 साल में ही आपको देखने मिलेगा। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रॉफिटिंग।